नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी के आज की टॉप 10 खबरों के साथ में। मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। कर्नाटक में किराए पर रहने वालों को भी मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की घोषणा। पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पर 9 जून को प्रदर्शन नहीं करेंगे किसान, रद्द किया गया कार्यक्रम। लखनऊ में कल अखिलेश यादव से मिलेंगे केजरीवाल, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगेंगे समर्थन। ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची दिल्ली पुलिस, 12 लोगों के बयान किए गए दर्ज। मणिपुर के कक्चिन जिले में उग्रवादियों की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद। खालिस्तान गैंगस्टर लिंक मामले में पंजाब और हरियाणा में 10 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। कोलकाता से दोहा जाने वाली कतार एयरवेज की फ्लाइट में बम की अफवाह। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम के जरिए धर्म परिवर्तन, सेंट्रल एजेंसी ने पुलिस से साधा संपर्क। महाराष्ट्र में आगामी सभी चुनाव शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी साथ में लड़ेगी। शिंदे फडणवीस दिल्ली दौरे के बाद महाराष्ट्र में जल्द ही होगा मंत्रिमंडल विस्तार, भारतीय जनता पार्टी के 6 और सेना के 4 मंत्री होने की संभावना। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें, आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज।